हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज असी तुहानू दसांगी व्हाई इज इट सो हार्ड टू गेट मैरिड इन पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगी। दिस इज एन एक्चुअल रिश्ता पोस्ट जो मैंने कल रात पढ़ा है, एंड आप इसको मुलायजा फरमाएं। मेल US सिटीजन, उर्दू स्पीकिंग, मास्टर्स फ्रॉम हार्वर्ड, एज 30, 6 सिस्टर्स हैं इनकी, 5 का तो सुने 12th ग्रेडर, बट परफेक्ट SAT स्कोर, वरना उसके बिना रिश्ते कैसे होंगे। यू नो इट नीड्स टू बी परफेक्ट। आपका ना सही, आपकी सिस्टर का ही सही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने उस दिन एक पोस्ट पढ़ा, उसमें लिटरली लिखा हुआ था 12 कनाल्स इन फ्लोरिडा। मैं क्या है, अमरीका एच कनाल का सिस्टम कदों आ गया? ये एग्रीकल्चर लैंड, 40 किलियां की खेती इन फैसलाबाद, 50 घर इन हाई लैंड रिजॉर्ट। ओ मैं की हो रही है, तुसी साढ़े ना करना है सब कुछ नहीं, तो फिर सानू के असर है। ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो छोटे होते हैं और न्यू मनी आता है। कभी भी कोई खानदानी अमीर अपनी सारी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताएगा। पापा की परी हूं मैं। नंबर 2, द वनबीज। चलो हुन कुड़ी या मुंडे नू तालीम दे देती है, पर मैनर्स किने सिखाने? पढ़ा लिखा पंजाब, वाओ अमेजिंग, अगे की अपना खाना हाथ नहीं आपके, जो आप अपना खाना गर्म। नहीं, मैं तो अपना खाना खुद गर्म कर लूंगी, मगर तुआड़ी बेटी ते बेटा इस काबिल भी हैं कि मैगी नूडल के आगे भी कुछ बना सके? आंटी मुझे सिर्फ पास्ता बनाना आता है। अकी पापा प्रिंसेस का माहौल आया नवा नया कि नहीं, हमारी बेटी मेड थोड़ी है, कोई आकली कुक तो नहीं है, तो फिर तुसी कुड़ी बाहर क्यों भिजवानी? ओवरसीज का रिश्ता क्यों चाहिए तहू? उत्थे केड़े कोई रामू काका होना जिन्होंने पूछना है कि मैडम आपने खाना खाया, मेरे बेबी ने थाना जाया? योर डिग्री डजंट मेक यू बेटर पर्सन इफ यू डोंट नो बेसिक लाइफ स्किल्स, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू कुक योर ओन फूड, क्लीन योर हाउस, यू आर नथिंग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिस इज स्पेशली सीन इन पीपल जिन्होंने बाहर जाना है। इत्थे तो तुहाडी अम्मा ने 4-4 मेडा रखियां नहीं, एक सफाई वास्ते, एक बैड बनाने वास्ते, एक खाना बनाने वास्ते, एक एंटरटेनमेंट वास्ते। उत्थे कुछ नहीं होना, उत्थे तुसी अपना काम खुद ही करना, तो फिर बाहर आप रिश्ता कराओ ही ना। Why waste someone's life along with yours? And to the mothers, let them grow. I am mother of a versatile boy and are looking for a versatile girl. एक मैं और एक तू है और हवा में जा। देखो भाई, ना ही ये कोई जियो का ड्रामा है जिसमें आपका हक महर 25 करोड़ लिख देंगे, बेवज हक महर 25 करोड़ रुपया, ना ही तुहाड़े वास्ते कोई ख्वाबों का शहजादा उतरे। ते बेहतर है सबर शुक्र करो, ते जो मिलता है ओदे नाल गुजारा करो। लेकिन एदा मतलब है नहीं तुसी केस किसी भी रैरू कट्टे नाल व्याहे जाओ, स्टैंडर्ड्स रखो। लेकिन ए की गल हुई कि डॉक्टर दा डॉक्टर नाल व्याह होएगा, इंजीनियर दा इंजीनियर नाल व्याह होएगा? नहीं, तुसी कोई आपस विच मिल के अस्पताल दी पार्टनरशिप लानी है या कोई फैमिली प्लैन ते क्लिनिक खोलना है, जिहड़ा सानू नहीं पता। असी बाकी डिग्री वाले कित्थे जाइए? ऐ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नाल असी किवें रहिए? तुसी दसो। ते मुंडे, तुहाडे स्टैंडर्ड्स इन्ने ऊंचे, शक्ल तुहाडी कद्दू वर्गी, कुड़ी चाहीदी एमा वाटसन। वाह वे वाह। पैसा गाड़ी महंगा घर, आई डोंट नीड अ मैन हू कैन गिव मी ऑल दैट। एग्जैक्टली, यू हर्ड दैट राइट। तालीम के साथ साथ इंसान आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाता है। अगर किसी ने मास्टर्स कर लिया, अच्छी सी नौकरी पे है, उसको होता है कि मैं और कमाऊँ 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 कमाऊँ। जब लड़का कमाना शुरू करता है, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसकी बीवी उससे ज़्यादा कमाए, और जब लड़की कमाती है तो उसको लगता है कि मुझे अब इस 70 किलो के बोर्डम को अपनी छाती पर उठाने की जरूरत नहीं। मैं इस 70 किलो के बोर्डम को अपनी छाती पर बिठाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों उसके नखरे उठाऊँ? मैं क्यों उसको खाना बनाऊँ? मैं कल्ला चंगा। इसी वजह से अक्सर लोग शादी नहीं कर पाते। उनको होता है कि हमें ज़रूरत क्या है, हमें वी डोंट फील द नीड। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास है, सोशल इंडिपेंडेंस हमारे पास है, अपने दोस्तों के साथ फिरते हैं, चिल करते हैं, बट आगे जाके जब आपके पास ये सब चीज़ें नहीं रहनी, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि यार फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट, होनी चाहिए सी। आजकल आई बीन रीडिंग अ लॉट ऑन द इंटरनेट, निकाह ब्रेक। What's that, brother? What's that? Onu divorce hi kehnde ne. Nikah is marriage. Baaki sirf rasmein ya events hain. Aap woh na bhi kare, vyah toh tuhaada ho gaya. Ab aap 6-6 mahine baad rukhsatiyan kar rahe hain, saal baad
रुखसती हो रही है। क्यों भाई, मंगनी कर लेते इससे बेहतर, अब कॉल मी ओल्ड स्कूल। लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई रुखसती से दो दिन पहले निकाह हो, मेहंदी हो, बारात, वलीमा, खत्म। अनलेस कि कोई बंदा या बंदी बाहर है और पेपर शेपर्स बन रहे हैं उसके पार्टनर के, इट डजेंट मेक सेंस कि तुसी रुखसती रोक दो। बर्थडेज, एनिवर्सरीज, साथ फिर रहे हो, इंस्टाग्राम पे फोटो आ रही हैं, फादर इन लॉ दी सालगिरह भी मनाई जा रही है, मगर रात तू अपने अपने घर। क्यों, निकाह तो हो गया है, कहीं निका ना हो जाए, समझ रहे हो। हुण तुसी सोच रहे होगे कि मैडम तुहाडा तो भी ब्याह नहीं होया, तुसी ये गल्लां किवें कर रहे हो। भाई मैंने अपने इर्द गिर्द ये चीज़ें बहुत क्लोजली देख ली हैं, ऐसे जैसे समझे ना कि दोस्त, जानने वाले, उनके रिश्ते जिस तरह मुश्किल में है ना, समझ आ गई है कि क्या होता है और क्या नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, असी तो हूँ यंग हाँ, साड़ी कोई खेलने कूदने की उम्र, तुम यह कि गल लैके बह गए। एंड आई नो सम रेडिकल फेमिनिस्ट विल नाउ गेट ट्रिगर्ड कि यार ये क्या कह रही है, हम लोग सब इस तरह तो नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी होते। सेम गोज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ईगो के चक्कर में काफ़ी रिश्ते तबाह हो जाते हैं और कुछ लोगों के तो रिश्ते स्टार्ट ही नहीं होते।